रुकिए, हमें प्रतीत होता है कि हमें वेश बदलकर आयोजन में जाना चाहिए, अन्यथा आयोजन में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। और कहीं कंस तक ये बात पहुंच गई तो नारायण नारायण समस्त गोकुलवासियों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। क्यों इंद्रदेव, हम उचित कह रहे हैं ना? आपका कथन उचित है देवऋषि, हम सभी वेश बदलकर ही इस आयोजन में प्रभु के दर्शन करेंगे। पिताश्री सहित सभी देवों को मेरा प्रणाम। पुत्र शनि, तुम यहाँ क्या कर रहे? मैं भी यहाँ विष्णु अवतार की सुंदर छवि के दर्शन करने आया हूँ पिताश्री। नहीं शनि देव, आपको अभी प्रभु के बाल रूप के दर्शन नहीं करने चाहिए। भगवान के दर्शन के मोह में आप ये भूल गए हैं कि आपकी दृष्टि से उस नन्हे से शिशु पर विपदा आ सकती है। ऐसा नहीं होगा इंद्रदेव, मैं तनिक दूर से ही प्रभु के बाल रूप के दर्शन कर लूंगा, और फिर वो कोई साधारण बालक तो नहीं, स्वयं विष्णु है, उन पर मेरी दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं होगा। भले ही वो स्वयं भगवान है, किंतु इस आयोजन में कोई व्यवधान हो ये हम कदापि नहीं चाहते, अतः आप यहाँ से लौट जाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा कोई अनर्थ नहीं होगा इंद्रदेव, मैं भी आप ही की भांति प्रभु के बाल रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। पुत्र शनि, इंद्रदेव का कथन सही है, तुम्हारा हमारे साथ वहां चलना उचित नहीं है, कृपया लौट जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। आपका आदेश मैं टाल नहीं सकता, किंतु एक प्रश्न है, वो ईश्वर जिसने हम सब की रचना की है, क्या उनके लिए भी मैं एक तिरस्कार का पात्र हूं? एक निर्माता के लिए तो उसका हर निर्माण प्रिय होता है, तो फिर ऐसा भेदभाव सिर्फ मेरे साथ ही क्यों? क्यों प्रभु, पापित को दंडित करने का कर्तव्य आपने मुझे सौंपा है, तो इसमें मेरा क्या दोष है?